आप देख रहे हैं ईटीवी भारत, ये है न्यूज टाइम। धर्मांतरण पर सीएम साय ने तोड़ी चुप्पी, कहा सेवा के नाम पर करवाया जा रहा धर्मांतरण। ईसाई समाज के प्रमुख बोले हम करते रहेंगे सेवा का काम। बलरामपुर में धर्मांतरण के खेल का खुलासा, पुलिस ने 5 लोगों को किया गिरफ्तार। हिंदू संगठनों की शिकायत पर हुई कार्रवाई। दंतेवाड़ा में नक्सलियों के मंसूबों को जवानों ने किया फेल, सर्चिंग के बाद जवानों ने आईईडी को किया डिफ्यूज। फोर्स को टारगेट करने के लिए नक्सलियों ने लगाया था बम। भिलाई के शिवम हाईटेक स्टील फैक्ट्री में लगी आग, दमकल की 7 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। टाइटेनियम मेटल स्क्रैप में भड़की थी आग। धमतरी में अवैध खनन के खिलाफ खुला मोर्चा, कलेक्ट्रेट पहुंचे सामाजिक और आरटीआई कार्यकर्ता, माइनिंग अधिकारी पर लगाया मिलीभगत का आरोप। जांजगीर चांपा में प्रतिबंध के बावजूद खदानों में हो रहा धमाका, क्रशर संचालकों के खिलाफ फूटा लोगों का गुस्सा, ब्लास्ट की वजह से कई घरों में आई दरारें। सक्ती में गरीब परिवार पर टूटा भूमाफिया का कहर, बुलडोजर से गिराई घर की दीवार, परिवार वालों को पीट कर किया अधमरा। कोरबाई क्लब स्कूल के हॉस्टल वार्डन पर मारपीट का आरोप, छात्राओं के परिजनों ने की एसडीएम से शिकायत, आदिवासी विकास विभाग ने बनाई जांच टीम। सूरजपुर में क्लब स्कूल के छात्र धरने पर बैठे, प्रिंसिपल को हटाने की रखी बच्चों ने मांग, प्रचारी पर लगाया प्रताड़ित करने का आरोप। रायपुर जबलपुर नेशनल हाईवे ट्रक पलटने से हुआ जाम, 12 घंटे से ज्यादा वक्त तक फंसे रहे सैकड़ों वाहन, क्रेन की मदद से रोड को किया गया क्लियर। ये थी अभी तक की प्रमुख खबरें, अधिक खबरों के लिए लॉगिन करें www.etvbharat.com।